फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। तो ये आप देख रहे हो, ये हम लिए हैं टर्मरिक फेस वैक्स। इससे कोई दर्द नहीं होगा। ये हल्दी सा है, ये हर्बल है। ये हम कहाँ से लिए हैं, ये मीशो से लिए हैं और इसका प्राइस बहुत ही कम है। 200 के अंदर आपको ये मिल जाएगा। और ये आप देख रहे हो कि 5G है, मतलब काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा पैकेट, मतलब बहुत बड़ा पैकेट है। इसमें बहुत सारा है, फेस के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। अगर एक बार यूज़, मतलब एक बार के यूज़ करेंगे, काफ़ी दिन चलता है, तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत महीने तक अब ये चल सकता है। और ये जो कि आप देख रहे, इसमें कोई मतलब केमिकल नहीं है, सारा नेचुरल है, तो इससे कोई फेस में नुकसान होना नहीं चाहिए। तो इसको, ये जो कि हम लोग पार्लर में जैसे कि वैक्स करवाते हैं, तो वैक्स कराते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, इसमें कोई दर्द नहीं होगा। और वैक्स मतलब बहुत लोगों को सूट करता है और नहीं भी करता है, क्योंकि बहुत लोगों का मतलब वैक्स करवाते हैं और कुछ दिन बाद क्या होता है, 2 दिन बाद ही, 1 दिन बाद फेस में मतलब पिंपल निकल आते हैं। तो बहुत लोगों का वैक्स सूट भी करता है, नहीं तो फेस दाना दाना हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें पता नहीं फेस में लगाने से दाना होगा या नहीं होगा। तो और इरेजर से भी हम लोग जैसे करते हैं, तो वो क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। हेयर जो निकलता है वो तो दूसरे दिन ही निकल आता है, इरेजर करने से दूसरे तीसरे दिन में आप देखो कि छोटा छोटा निकल आता है। तो वो है कि आप कहीं जा रहे हो तो फटाफट इरेजर से कर लिए, पूरा फेस क्लीन कर लिए, तो वो अच्छा होता है। कहीं जा रहे हैं तो फटाफट करेंगे तो वो ठीक रहेगा, वरना ये उससे भी हार्ड हो जाता है और हेयर का ग्रोथ कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। मतलब जहाँ सॉफ्ट हेयर, जो कि पहला जो हेयर होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है, लेकिन इरेजर्स करने से वो जो वहाँ का हेयर जो कि काफ़ी हार्ड हो जाता है, तो वो हाथ ऐसे करने से ना पूरा अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मतलब जैसे नेचुरल हेयर होने से ऐसे करो तो महसूस नहीं होता, लेकिन इरेजर्स करने से ऐसे करो ना तो बहुत ज़्यादा रफ, अच्छा नहीं लगता, ऐसे हाथ में छूटता है। तो इसको फ़िलहाल हम ये मीशो से लिए हैं, तो इसको हम फर्स्ट बार यूज़ कर चुके हैं। आप देख रहे हो फर्स्ट वीडियो बनाए हुए हैं, तो इसको फेस पे लगाने से पहले आप पहले हाथ पे इसको ट्राई कर लेंगे, उसके बाद इसको हम फेस पे लगाएंगे, वो भी 2 दिन बाद देखेंगे कि हाँ कोई नुकसान नहीं कर रहा है, उसके बाद फेस पे लगाएंगे। तो इसको हम फेस पे लगा चुके हैं, उसका फर्स्ट वीडियो भी डाल चुके हैं। ये हम पहली बार है जो कि फेस पे लगाएंगे, हाथ पे एक बार ट्राई कर चुके हैं, मतलब हाथ पे कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो इसको हम फेस पे चलो ट्राई करते हैं और इसको पहले लगा। तो इस पैक को बनाएंगे कैसे, पहले तो फेस के हिसाब से आपको बॉडी पे लगा थोड़ा ज़्यादा लेंगे, नहीं तो आप फेस पे, एक चम्मच बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें थोड़ा सा पहले पानी डालेंगे, उसके बाद उसको मिलाएंगे। एक ही बार ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही पहले डालेंगे, और उसको मिलाने के बाद देखेंगे कि, और थोड़ा पानी डालना पड़ेगा, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है तो अब ठीक है। तो इसमें अच्छा से मिला के इतना थोड़ा गाढ़ा करना होगा, उसके बाद फेस में लगाएंगे। तो आप देख रहे हो कि हम इस तरह का बहुत ज़्यादा मतलब गाढ़ा, तब हम क्या किए थे ना, हाथ पे जब लगाए थे ना तो काफ़ी पतला लेयर लगा दिए थे हम, तो पतला लेयर के वजह से क्या हुआ, बहुत मतलब बहुत जगह हेयर जो कि छूट पे गया था। तो थोड़ा सा मोटा लेयर लगाना होगा आपको। तो देख रहे हो कि हम इतना कम से मोटा है कि फेस में मतलब अच्छे से चिपकना चाहिए। और ये है कि 5 मिनट में हेयर को बहुत अच्छे से रिमूव करता है, ये वैक्स हमको बहुत पसंद आया। आप देख, इतना मोटा कम से लगना होगा, वरना नहीं तो छूट जाता ये हेयर जो कि फेस में का रह जाएगा। तो आपको थोड़ा सा मोटा लेयर लगाना ही होगा, तो अच्छे से इसको है कि आपको ब्रश ही लगाना होगा, हाथ से नहीं लगेगा, इसमें ब्रश ही लगाना है। और इसको मतलब नेक पे, पूरे बॉडी पे कर सकते हैं, वैक्स मतलब आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसका जो गंध है ना थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन ये वर्क बहुत अच्छा करता है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो इस तरह से मतलब काफ़ी अच्छे से लगाना होगा, वरना आईब्रो के पास लग गया तो आपका आईब्रो उड़ जाएगा, इसलिए ब्रश ही लगाइएगा जिससे कि वो अच्छे से लगे, वरना आईब्रो उड़ गया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ब्रश ही लगाइएगा जब लगाइएगा। और ये जो कि आपका जो वैक्स है ना, इतना अच्छा है, हमको ये बहुत ही पसंद आया। इसे मतलब कोई फेस में नुकसान नहीं कर रहा है, क्योंकि हम हाथ में लगाए चुके हैं, इसे कोई पिंपल नहीं आ रहा है, कोई फेस में जलन वलन नहीं होता है। और वैक्स पार्लर में जो करवाते हैं उसे तो बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है,
तो ये आप देख रहे हो ऐसी मतलब बिना दर्द का आराम से फेस से निकल जा रहा है। और ये कितने दिन तक रहता है, कब हेयर निकलता है, मतलब बहुत दिन लगता है हेयर निकलने में वैक्स को जैसे लगाते हैं तो वैक्स में, जैसे 15-20 दिन बाद आपका देखो कि हेयर निकलता है। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही है, ऐसा नहीं कि आज लगाएंगे 2 दिन बाद हेयर निकल आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत वक्त लगता है इसमें भी, मतलब 15 दिन तो लग जाता है क्योंकि हम हाथ में लगाए थे, 15 दिन बाद मतलब काफ़ी छोटा छोटा हेयर नज़र आ रहा था उसमें। तो काफ़ी मोटा लेयर लगाएंगे तो आप देख रहे हो कि हम कुछ ज़्यादा ही घोल बना लिए हैं, मतलब एक चम्मच लिए थे फिर भी ज़्यादा घोल हो गया है। तो इसको हम नेक पे भी लगा लेंगे, बच गया है, वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अब इसको है कि आप 5 मिनट में ये सूख जाना चाहिए, थोड़ा मोटा लेयर लगाएंगे, पतला लेयर लगाने से जल्दी ये नहीं होता है, निकलेगा नहीं, इसलिए मोटा लेयर लगे 5 से 6 मिनट में इसको मतलब गीले टॉवल से पोंछ लेंगे, गीला करेंगे टॉवल, उसके बाद इसको पोंछ कर आपको दिखाएंगे। और ये फेस को मत इतना साफ कर देता है, बहुत ही साफ कर देता है और बहुत सॉफ्ट कर देता है, बहुत ही अच्छा वैक्स आप इसको ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। कहीं शादी वादी में जा रहे हैं ना, अगर आप फेशियल नहीं भी करा सक रहे हैं और बस यही वैक्स लगा ले रहे हैं, जैसे पार्टी वार्टी या शादी में जा रहे हैं, तो अगर आपके पास फेशियल करने का टाइम नहीं है या पैक लगाने का टाइम, पैक में भी होता है 15 मिनट कम से कम रखना होता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, 15 मिनट रखना नहीं है, सिर्फ 5 मिनट में आपका फेस में बहुत अच्छा फेयरनेस ला देता है और अच्छा खासा ग्लो भी करता है, मतलब बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं, बस ये वैक्स कर लगा कर आप चले जाइए इसको अच्छे से, तो उसके बाद आप देखोगे कितना अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगे, मतलब वैक्स हमको बहुत पसंद आया। ये बस खुशबू इसका अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये बहुत अच्छा वर्क करता है। काफ़ी वक्त बाद इसका हेयर जो कि फेस में नज़र आता है, तो ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा। क्योंकि नहीं, क्योंकि ट्रिम करने से, मतलब इरेजर से करने से क्या होता था ना, आज लगा रहे हैं, इरेज किए, बस 2 दिन बाद फिर से हेयर निकल आ रहा है, और हेयर निकलने के बाद कुछ ज़्यादा ही हेयर निकल आता है जो कि बहुत ख़राब लगता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपका बहुत मतलब जैसा नेचुरल हेयर होता है ना, उस तरह से हेयर निकलता है, चुभता बिल्कुल भी नहीं है हाथ में, बहुत ही सॉफ्ट हेयर निकलता है। तो ये आपको मतलब बहुत ही अच्छा, आप इसको लेकर एक बार यूज़ करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा है ये। तो इसको हम 5 मिनट रखेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं कैसे मतलब साफ़ दिखता है स्किन इसके। फ्रेंड्स, जिनके फेस में जैसे कि पिंपल होता है, बहुत सा देखो पिंपल होता है, बहुत लोगों के फेस में बहुत ज़्यादा पिंपल होता है, तो उसमें थोड़ा सा ये जैसे वैक्स लगाएंगे थोड़ा जलन हो जाए तो कट होता है, तो जैसे मेरे इस जगह पे थोड़ा सा कट है, तो लगाने पे थोड़ा सा जलन हो रहा है ये, तो आप मतलब पिंपल के ऊपर नहीं लगाइएगा। और इसको मतलब जैसे कि आपका एक्स्ट्रा जैसे कि बच गया आपका जो घोल है लगाएं जो, तो अगर बच गया तो आप उसको बॉडी में लगा लीजिएगा, उसको रखिएगा नहीं कि हाँ नेक्स्ट दिन उसको लगा लेंगे या कुछ दिन बाद फिर से पानी डालकर घोल कर उसको लगा लेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा। तो जिस दिन लगाएंगे उतना ही निकालिएगा जैसे कि आपका यूज़ कर सके, वरना वो दोबारा रख कर उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आप देख रहे होगे कि मेरा फ़िलहाल बहुत थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि हम थोड़ा मोटा लेयर लगाए हुए हैं, इसलिए सूख नहीं रहा है। अब देखोगे जहाँ पतला लगाया वहाँ ठीक सूख गया, क्योंकि पतला लगाने से क्या होता, हम लगाए थे हैंड पे, आप देख रहे होगे इस जगह पे हम जो लगाए थे वहाँ पे देखोगे हेयर जो कि बहुत कम निकला हुआ, आप देख रहे होगे बहुत ज़्यादा कम निकला है, 1 मंथ से ज़्यादा हो चुका है, और अभी बहुत सॉफ्ट हेयर निकला, दरदरा सा नहीं, खरदरा नहीं है पूरी तरह से। तो इसको मतलब बहुत जहाँ पे लगाए थे पतला लेयर उस जगह पे मतलब हेयर रिमूव नहीं हुआ था, तो थोड़ा सा मोटा लेयर लगा, लेकिन गर्मी इतना है आसनसोल में कि ये सूख नहीं रहा है, क्योंकि 5 मिनट हो गया है और ये सूख नहीं रहा, आप देख रहे हो कि पसीना की वजह से और ये गीला होता जा रहा है, सूख नहीं रहा, ये पतला लेयर जहाँ थोड़ा लगा वहाँ ठीक सूख चुका है। तो इसको और 1 मिनट रखते हैं, उसके बाद हम इसको पोंछेंगे, आप देख रहे हो कि ये सूख चुका है, ये पूरी तरह से ये नहीं हुआ, लेकिन ये अंदर से पूरी तरह से सूख चुका है, और 6 मिनट हो गया है, ज़्यादा देर रखेंगे नहीं फेस में, तो अब पूरी तरह सूख गया है। अब इसको गीला टौलिया करके पोंछते हैं, हेयर को अच्छे से समेट लीजिएगा, वरना वो अगर फेस में अगर चिपक गया
तो वो टूट जाएगा। अभी जैसे मेरा ये यहाँ का हेयर हवा में उड़ कर यहाँ चिपक गया था, वो टूट गया, इतना मतलब हेयर मेरा टूट चुका। तो ये रहा, मैं इसको पोछते हैं, पहले थोड़ा गीला करके ही पोछिएगा, तो आप देखोगे ये देखो मतलब बहुत अच्छा ये वर्क करता है। स्किन को मतलब पूरा मतलब जो भी ये हो गया था गंदगी था वो सबको हटा देता है। स्किन फेनेस कर देता है जो भी है, बहुत अच्छा है ये, हमको बहुत ही पसंद आया ये। तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा कैसे मतलब फेस जो कि एकदम कैसे हो गया, फेस और नेक में देखिए आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा कितना फेनेस लाता है। ग्लो भी आप देखोगे बहुत अच्छा लाता है, मतलब फेस में थोड़ा अलग सा चमक ला जाता है। तो फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए कैसे सॉफ्ट कर देता है फेस, बहुत ही अच्छा है ये।